फेसबुक लाइव। हाथ में संविधान क्यों उठा लिया देश के कानून मंत्री ने, 2019 की लड़ाई है लेकिन चार वर्ष पूरे होने के बाद हमारे साथ कानून मंत्री जी मौजूद है और हाथ में संविधान है, ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि आपको ओरिजिनल संविधान है श्रद्धा मना अंजना ओम कश्यप जी, ये है मौलिक संविधान जिस पर सारे नेहरू जी से लेके राजेंद्र बाबू से लेके हस्ताक्षर हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये हैं नेहरू जी, है राजेंद्र प्रसाद, ये सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। ये क्यों हुआ? जब संविधान बना तो नेताओं ने कहा इसको ऐसे ही एक कागज या किताब के रूप में पेश कर दें या भारत की परंपरा भारत की विरासत का जिक्र करें। तो नंदलाल बोस जो फेमस पेंटर थे उनको कहा गया इसमें आकृतियां भरो, कहा है सर आकृतियां, और उन्होंने आकृतियां भरी। और ये देखिए इसमें कई इसमें ये देखिए ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं फंडामेंटल राइट के ऊपर, वो भी बहुत रोचक है। फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है आप देखिए, प्रभु राम सीता के साथ लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। आपको कानून मंत्री जी दिखा रहे हैं या रामलला के वकील? ये संविधान बनाने वाले, और फिर इसमें नटराज भी हैं, इसमें आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, औरंगजेब नहीं है, महात्मा गांधी भी हैं, महावीर भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, वैदिक पीरियड भी है, मोहनजोदड़ो भी है। यह है भारत की विरासत। लेकिन अंजना जी मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर ये संविधान आज बनेगा और इन तस्वीरों को संविधान में शामिल करने की कोशिश की जाएगी तो क्या कहा जाएगा? भारत भगवा हो रहा, कम्युनल हो रहा, यही समस्या है। तो ये मैं आज दिखा रहा हूं फेसबुक पर कि जो हमारे वामपंथी मित्र कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा सबक चाहता हूं कि संविधान की मूल भावना क्या है, राय से भी देख लें। कानून मंत्री जी वैसे तो आपसे दलीलों में बहुत मुश्किल होता है सामना करना, लेकिन एक दलील आपकी इस बात पर मैं दूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये तस्वीरें पहले थी, तस्वीर थी, इतिहास का संस्कृति का हिस्सा थी, अब उसको इनकैश किया जाता है, कहीं इसलिए तो नहीं हम बहस देखते हैं घंटों घंटों टीवी करिए। प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, शिवाजी, महाराणा प्रताप भारत की विरासत है, किसी पार्टी की नहीं है। हाँ, ये हमारा विनम्रता से आरोप यह है कि कुछ लोगों के द्वारा इनकी चर्चा करने पर भी सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। विवेकानंद भारत की परंपरा है, महर्षि अरविंद भारत की परंपरा है, और ये बात मैं बहुत दिल ठोककर बोलता हूं। दिक्कत यह है कि कभी एक बार हमारे वामपंथी मित्रों से जो हमारे ऊपर उदारवाद नहीं होने का आरोप लगाते हैं, लिबरल नहीं है, एक बार उनसे पूछिए ना कि उनकी सोच क्या है विवेकानंद के बारे में, महर्षि अरविंद के सच्चिदानंद की कल्पना के बारे में, गीता के उपदेश के बारे में, कभी वो भी चर्चा करनी चाहिए। एक दो आखिरी सवाल है क्योंकि फेसबुक के हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और आपकी काफी लोकप्रियता है फेसबुक पर, आपको लोग बहुत देखते हैं और सुनते हैं। आर्क बिशप लिख रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मुस्लिम मतदाता आपका है ही नहीं सर, आप तो उसको मानते नहीं है वोट बैंक, एक टिकट नहीं देते हैं, माइनॉरिटीज को लेकर कहीं वाकई भेदभाव तो नहीं कर रही है आपकी सरकार? बिल्कुल गलत है, हमें वो कम वोट देते हैं, हमारी कोशिश है वो आए, काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन हाँ हम आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम वोट बैंक पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम तीन तलाक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और मुझे मालूम है कि बहुत सी महिलाएं को लगा है कि मोदी जी ने हमारे लिए हिम्मत दिखाई और हम दिखाएंगे, लेकिन जो आर्क बिशप की बात थी उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है, आपने देखा होगा उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है ना आर्क बिशप ने कि हमारा कोई मोदी जी का विरोध नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयारी है? वो मामला लॉ कमीशन के सामने चर्चा हो रहा है, अधिक से अधिक लोग आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, जब सबकी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद हम कोई विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। टाइमिंग होगी क्या 2019 के पहले? मतलब कहा जा रहा है कि राम मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, टाइमिंग आप 19 के हिसाब से करें? वो सब कुछ 19 से क्या परेशानी है, 19 में एक साल देरी है, बड़ा टेस्ट है सर आपका, टेस्ट आप नहीं लेंगे जनता लेगी ना, छोड़ दीजिए जनता के ऊपर ना, लेकिन हर को 19 से जोड़ना ठीक नहीं है, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसको राजनीति निरपेक्ष रहने दीजिए, ये देश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या ये विपक्ष की सफलता कहलाएगी कि आज देश के कानून मंत्री ओरिजिनल संविधान को लेकर आज तक के कॉन्क्लेव में आए? आखिरी सवाल, कि आज तक देश में देखा जाता है, तो मैंने देश में बहस की, कुछ लोग संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और आपने कहा था संविधान को इनकाउंटर किया जा रहा है, इसलिए आज ये बहस जरूरी थी,
इसलिए मिलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। चलो भाई।